आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास वैदिक मैथ एक्सरसाइज फर्स्ट में सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आदि हम वैदिक मैथ से सीखेंगे। जैसे सबट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैदिक मैथ 6 लेस सबट्रैक्ट करते हैं 6 लेस देन ग्रेटर देन 7 सबट्रैक्ट करेंगे सबट्रैक्ट नहीं होता कैरी लेंगे 10th डिजिट 5 से तो 16 16 में से 7 सबट्रैक्ट करोगे तो आपका 9 4 बचे 4 में से 6 सबट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि 6 ग्रेटर देन है 4 लेस देन है। फिर हम सैकड़ा डिजिट से लेंगे तो यहां पॉइंट 14 में 6 सबट्रैक्ट करोगे 8 2 2 में से 4 सबट्रैक्ट नहीं होते फिर 8 से कैरी लोगे तो 12 4 सबट्रैक्ट करोगे तो 8 7 सबट्रैक्ट बाय 0 तो 7। इस प्रकार से हम वैदिक मेथड से सबट्रैक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी विधि से एकाधिकेंद्रीय से 31 1/6 × 31 1/5 एकाधिकेंद्र पूर्वेण से। अब देखो हम इसमें कॉमन डिजिट देते हैं 31 तो 31 × 31 का एकाधिक 32 मोर देन 1 32 स्लैश 1/6 × 1/5 32 × 31 मल्टीप्लाई करोगे 992 1 × 1 = 6 × 3 = 6 × 5 = 30 अब 992/1/30 इस प्रकार से हम एकाधिकेंद्र पूर्वेण से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण क्वेश्चन नंबर 3 एकाधिकेंद्र पूर्वेण से 103 × 197 अब फिर हम देखेंगे इसमें कॉमन डिजिट 1 × 1 मोर देन 1 2 1 से 1 अधिक मोर देन 2 स्लैश 03 × 97 2 × 2 7 × 3 = 21 2 कैरी 9 × 3 = 27 और 2 = 29 अब फिर हम इकट्ठा करके लिखेंगे 20291 इस प्रकार से हम एकाधिकेंद्र पूर्वेण के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम चलेंगे निकलिम मेथड मल्टीप्लाई बाय निकलिम क्वेश्चन नंबर 4 निकलिम फॉर्मूले से 54 × 56 फॉर्मूले से इसके अंदर हम एंड लिखते हैं बेस 50 देखो 100 से कम है इसलिए हम इसमें बेस 10 ले सकते हैं सब बेस 5 × 10 50 क्योंकि 5 × 10 50 के नजदीक है। अब उसके बाद सब बेस डिजिट 5 क्योंकि 5 × 10 होता है 50 में 5 इसके बाद देखो फिर हम लिखेंगे डिविजन्स डिवीजन देखो 50 से 54 कितने अधिक है मोर देन 4 है और 56 कितने मोर देन है 6 है 6
अब हम दो कॉलम बनाएंगे, नंबर्स और डिविजन्स। नंबर हमारा 54, डिवीजन इसका 4, नंबर्स 56, डिवीजन 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सलेस 4 × 6, सब बेस डिजिट 5, ब्रेक्स का नंबर्स, नंबर्स का 54 लोगे तो इसका अपोजिट डिवीजन 6 लोगे, और अगर 56 लोगे तो अपोजिट डिवीजन 4। 54 प्लस 6 5 × 54 + 6 60 60 × 5 300 4 × 6 24। अब इनसे देखिए कि बेस हमारा 10 था, 10 से ऊपर कोई डिजिट अगर हमने मानी है तो उसमें 4, अब कैरी बची 2, ऐड करोगे 302। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक अन्य निकलम का ही उदाहरण फिर देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर्स हमारा 108, डिवीजन 08, नंबर 112, डिवीजन 12। अब 08 × 12 स्लेस, अब सब बेस डिजिट 1, नंबर चाहे आप 112 लोगे तो डिवीजन 08 लोगी, अगर नंबर्स 108 लेते हो तो डिवीजन 12 लोगे, अपोजिट डिवीजन लिया जाता है 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 120 12 को 8 से करोगे 960, और फिर 96 क्योंकि 100 से ऊपर डिजिट होने पे कैरी बचेगी तो 0 है, 0 इधर 120 में ऐड करेंगे तो 120। तो इस प्रकार से हम एक निकिलम फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 नंबर